बस हमने मोदी जी को ये कहना चाहता है कि हमारा हुक्मरान जो है ना वो फेल हो गया। अच्छा, अब ये मर रहा है, आप कुछ करो, आप हमें बचाओ। अच्छा। अभी मैं इधर आया था, वीजा के लिए अप्लाई किया था मैं। किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। मोदी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें संभालो, इन लोगों से हमें नहीं संभाला जा रहा। मोदी जी को कह रहे इतना ठंडा नारा मतलब क्या अगर इंडिया को हम दुश्मन क्यों समझते हैं? हाँ। ये हमारे खिलाफ क्यों है? क्यों है? अगर जब पानी छोड़ते हैं ना, पानी छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं इसलिए छोड़ते हैं ये पाकिस्तान खुद डूब जाए। अच्छा, ठीक है। अगर जब डूब जाता है ना, ये मदद लेने खुद चल जाते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान में अफगानी लोग ट्रेवल ना करें। जी मुल्क की हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तालिबान की गवर्नमेंट है, जिसको किसी मुल्क ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी और कहा है कि जितने भी अफगानी है वो पाकिस्तान में सफर ना करें, हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे के पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इतिहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार कर फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं है। दोस्तों भाई खबर बड़ी जबरदस्त आई है, दो मुस्लिम देशों से, पाकिस्तान के भाई जो मुस्लिम देश जिनको ये भाई बोलते थे, आज उन्होंने इनके जख्मों पर नमक डाल दिया है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने एक हिदायत जारी की है, पाकिस्तान के अंदर ना जाए, हालत बड़ी नाजुक है। यूएई की बात करें, यूएई ने भाई पाकिस्तानी है जो यूएई गए हुए थे उन पर मुहिम नहीं चला दिया, गेट आउट पाकिस्तानी, क्योंकि ये जिस भी देश जाते हैं इनको एयरपोर्ट पर तो भाई कपड़े उतार कर चेक करते ही देश के अंदर उनकी जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं उनको छेड़ते हैं, चोरी का टैग लगता है, तो वहां से गेट लॉस्ट पुलिस ने शुरू कर दिया मूवी। पाकिस्तानी वादे की हालत क्या है, आप लोग क्या रेकमेंडेशन करके वीडियो शुरू करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क हालात में श्रीलंका की तरफ जा रहा है। हाँ, अब इंशाल्लाह देखो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। मुल्क में कुछ भी नहीं बचा। हाँ। क्या बचा है? अभी लोग हमें खुदकुशी कर रहे हैं और मर रहे हैं महंगाई और इस वजह से। अगर ये लोग नहीं चला सकते, देखो मोदी ने 2 अरब लोग संभाल रहे हैं, इनसे 25-30 करोड़ नहीं संभाला जा रहा। ऐसा हम ऐसा करते हैं ना कि हम मोदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें संभालो, इन लोगों से हमें नहीं संभाला जा रहा। मोदी जी को कह रहे हैं संभालो, हम संभालो, इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आएगा। और ये बड़ी मोदी जी तो अपने मुल्क को संभाल रहे हैं, वो तो अपने मुल्क को तरक्की हो रही है, अपने मुल्क का ख्याल कर रहे हैं। हिंदू होते 2 अरब बंदा है, सही कह रहे हैं, 2 अरब बंदा, 52 सूबे, 25-30 करोड़ है। हाँ, ऐसे ये नहीं संभाला जा रहा, तो ये उनसे हमारे से 22 करोड़ नहीं संभाली जा रही, वो 1 अरब 40 करोड़ के वाम को संभाल रहा है, उनको रिलीफ दे रहा है, 300 यूनिट फ्री किया हुआ है, हर चीज में उनको सौंप गया है। उनकी जो उनके जो जो वुमेन थी उनके पास नहीं था इतना सवाल, उनको जो उन्होंने वो जो है उनके लिए काम नहीं, वो साइज बनाए, उनको कार्ड दिए, उनको जिस तरह हमारे इमरान खान ने कार्ड बनाया था सेहत कार्ड, उन्होंने उसने कार्ड बना दिया। बस हमने मोदी जी को ये कहना चाहता है कि हमारा हुक्मरान जो है ना वो फेल हो गया। अच्छा, अब ये मर रहा है, आप कुछ करो, आप हमें बचाओ। अच्छा, 2 अरब संभाल रहा है ना, नहीं संभाला जा रहा है, ऐसे नहीं संभाला जा रहा। तालिबान अफगानी गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में मत जाओ, हालात नहीं ठीक। उन्होंने सानु नहीं पता, साडी आवाम ही ऐसे लायक है, हम हैं इसी लायक, असी इसी काबिल हैं, ऐसे काबिल जूते पढ़ने चाहिए। युवा ने दौर दा तुहानू नहीं पता, उदो तू जमी भी नहीं, मैं तो थी नहीं, सही कह नहीं ना, उदो ओहो चीजा डिपू दे ओहो पापदार च सन। बात छोड़े तालिबान की बात करें, तालिबान दी मैनू नहीं पता, उन्हें इन चीजा तुहानू पता है की ने, ए ना जान उधर ते नाम गवाउन उन्हां नू। अब तालिबान है तो मुल्क के हालात क्यों ना ठीक हो? मुल्क के वैसे खराब है बेरोजगारी की वजह से। हाँ। अगर कहें ना दहशतगर्दी, दहशतगर्दी की वजह से कह रहा है कि पाकिस्तान ना, दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है। हाँ। वहाँ से तालिबान आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम किए जा रहा है। हाँ। इंडिया के बीच में साजिश है, इंडिया की फौज भी वहाँ पर है। हाँ। वो इनकी सहूलतकार है। अच्छा, आप जानते हैं कि इंडिया उन्हें बहुत सहूलत देता है अंदरून खाने से। इंडिया ने तो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, गले तो हम मिल रहे थे, मिठाइयां तो हम बांट रहे थे, इंडिया का क्या काम है? वो अंदरून खाने काम कर रहा है ना, हम बाजिया होकर कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया उनकी बड़ी फेवर कर रहा है, हथियार में अमेरिका छोड़कर गया, क्यों छोड़कर गया? इसलिए छोड़कर गया कि ये हथियार तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो अमेरिका से डॉलर इंडिया ने तो नहीं खाए, डॉलर तो हमने खाए हैं। इंडिया ने नहीं खाए, हमने खाए हैं, हमने खाए हैं। वो अड्डे किसने दिए? लो, किसने दिए? एम शरफ ने दिए। तालिबान आज हमें अपना दुश्मन समझते हैं और इंडिया को दो, तालिबान खुद दुश्मन, बहुत जालिम है, खुद जालिम है, दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो सबूत, तालिबान कहता है सबूत दे दो, सबूत क्यों नहीं दे रहे? सारा सबूत फौज के पास तो है, वो दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो कह रही ऑपरेशन करनी, थोड़ा पैसा चाहिए बस। तो पैसे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? हमने थोड़ा देना है, हमने थोड़ा देना है, कौन देगा पैसा? आवाम से क्यों ले रहे हो? अपने पल्लू लगाए, सारा तो दे रहे आवाम, और क्या देना है? सब कुछ मजाक बन रहे हैं हमारा, इस पे क्या कहेंगे? साले खुद बहुत बड़े दहशतगर्द हैं,
पठान, हमने तो उन्हें आसरा पठान का नाम ना ले, हम तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। हम मिठाई बांटी थी ना, वो इस्लामी मुल्क था इसलिए बांटी थी। तो अब इस्लामी मुल्क मुंह नहीं लगा रहा हमें, वो तो उसकी मर्जी बस, वो उसकी मर्जी है। हम खुश हो रहे थे, शरिया आ गया अफगान पाकिस्तान तालिबान। आप पठान लगते हैं, आज अफगानी तो नहीं है? नहीं। पठान इधर आ जाए जरा, बड़ी जबरदस्त पठान लोग बड़ी दिल खोल के बात करते हैं। मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान ने कहा है अपने तमाम शहरियों को कि पाकिस्तान ना जाओ, अगर जाना भी है तो एहतियात करो, मत जाओ, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं। नहीं है, ये सच है कि पाकिस्तान का हालात ठीक नहीं है। इतना महंगाई है क्योंकि बंदे कुछ नहीं बोलता है, ना हड़ताल कर रहे हैं ना कुछ कर रहा है। ये देखो हमारा 8,000 रुपए 800 दिहाड़ी है, हम क्या करूँ। यूएई में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कंपेन चल गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज। वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आपकी हरकत कुछ इस तरह की हैं जैसे वहाँ पे नस्वार बेचना, लड़कियों को हरेसमेंट के वाकयात। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्न किया कि आप अपनी हरकतें ठीक करें वरना आपको यूएई से निकाल दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी कि ऑलरेडी मतलब माँ बाप बड़ी मजबूरी के साथ अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को कह लें कि बाहर भेजते हैं कि जाओ रोज़गार की तलाश में, क्योंकि पाकिस्तान में भी उस तरह के हालात नहीं हैं। तो इस तरह के वाकयात जब सामने आएंगे तो मज़ीद पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के हर जगह पे मौजूद होते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं, तो दोनों कैटेगरीज हर जगह पर जो है पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वहाँ पर जाकर जो है वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं, और यकीन कीजिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे जब जब जो जो चीज़ मांगी गई है, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। बेशक आप कह रही हैं कि लिया भी है, लेकिन देने के लिहाज से भी पाकिस्तान ने कभी भी कमी नहीं की है। जहाँ पे जिस लिहाज से भी किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो पाकिस्तान पहुँचता है, और इसकी ज़िंदा मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। अब्दुल सितार ईदी का जो पोस्टर है वो इंडिया में भी लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? अब्दुल सितार ईदी जिंदा ना हो के भी आज जिंदा है लोगों के दिलों में, और इंडिया जिस जो कि मुखालिफ तरीन जो है मुल्क कहा जाता है जिसको, उसमें अगर अब्दुल सितार ईदी का पोस्टर लगता है तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि हम लोग इंसानियत की जिंदा जीती जागती मिसाल है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मतलब इंसानियत है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान, या तो भाई पाकिस्तान ही मुसलमान देश नहीं है या फिर 57 के 57 कंट्री ही मुस्लिम देश नहीं है। क्योंकि जो जबरदस्त भाई, मैं काफिर देशों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम देशों की, जो मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का बायकॉट शुरू कर दिया है, वो भाई अब क्या है आने वाले समय में, और अभी जो समय आ गया उसमें जो देश तरक्की कर रहे हैं वो भाई रिलीजन में नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिजनेस में। जो यूएई, देखिए पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा है, जो अगर खाड़ी देशों की बात करें तो सभी के सभी आज वर्ल्ड भी है यूएई की तरफ देख रहा है, और यूएई देख रही है भाई पैसे की तरफ, बिजनेस, डॉलर, रुपये की तरफ देख रही है, और यूएई को कोई नहीं बोल सकता। जो भाई पाकिस्तानी, आप लोगों ने देखा होगा भारत के अंदर भाई कुछ भी छोटी ही भी, देखो इतना बड़ा देश है कुछ ना कुछ तो होती रहती है, तो तुरंत उठ के आ जाएंगे, बट यूएई की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आता है, और पाकिस्तानियों ने अब लगा ले भाई, पाकिस्तानियों ने कुछ बोल भी दिया रात और रात उठा देंगे उसको, गायब कर देंगे पाकिस्तान के अंदर से। ये है हकीकत पाकिस्तान की। और अफगानिस्तान ने तो भाई इनको ऐसा हाल कर रखा है, जख्मों पे नमक डाल रहे हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे? जय जवाहर, जय श्री राम।